बेबी मैं ना 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, आपके लिए कुछ लाना है? नहीं बस इतना ही काफी है। यार आज अंडा गोभी बना लेता हूँ। सुनो ना। हाँ? मैं कह रही हूँ घूमने चलते हैं ना पहाड़ों पे। यार एक तो वैसे ही यहाँ इतनी ठंड हो रखी है, तुम्हें पहाड़ों पे घूमने की पड़ी हुई है। अरे मैंने कभी पैराशूट से ग्लाइडिंग नहीं की है, मुझे वो करना है। अरे यार थोड़े दिन बाद चल चलना, वो काफी महंगी होती है वैसे भी। अरे तुम क्यों फिक्र करते हो, मैंने हम दोनों के लिए पैराशूट पहले से ही ले लिया है। पैराशूट ले लिया है कहाँ? ये देखो। एक काम करो, बैग पैक कर लो, इससे तुम पैराग्लाइडिंग कर लेना, मैं तुम्हें देख लूंगा। ठीक है। यार आकांक्षा तुम्हें नहीं लगता यहाँ शहरों की चकाचौंध, ऊंची ऊंची बिल्डिंगे, इन सब में लाइफ यार कहीं खो सी जाती है यार। मतलब ना यहाँ हमारी कोई पहचान है, ना कोई अपनी वैल्यू, लाइफ झंड सी है यार। क्यों? सही में अपनों से दूर मजबूरी ही है, काम करो कमाओ और खाओ, ये भी तो लाइफ है, कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ तो चांद भी चार पैक पीने के बाद दिखाई देता है, और चुड़ैल भी। चांद और चुड़ैल का चार पैक से क्या मतलब है? अरे चार पैक के बाद एज्यूम कर लेता हूँ कि वहीं अपने गांव में खुली छत पर लेटा हुआ हूँ और चांद को देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और चुड़ैल को कैसे एज्यूम करते हो? नहीं नहीं, चुड़ैल को एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो ऐसे ही चलती फिरती घर में दिख जाती है। ये अपनी पड़ोसन दिखी जाती है, मिसेज अरोड़ा, चुड़ैल से कम थोड़े ने, तुमसे कितनी लड़ती रहती है। अच्छा सही कह रहे हो। अच्छा सुनो कॉफी पियोगे? हाँ ले आओ तुम यार, बढ़िया से लाना, थोड़ी ना चीनी कम। अच्छा यार मैं ये कह रहा था, वो मेरे दोस्त ना ऑफिस के कुछ प्लान कर रहे थे, मैंने तुम्हें बताया नहीं था 2 दिन पहले ना। मौज मस्ती करवा लो इनपे, दोस्तों के साथ जाएंगे घूमने, हम पड़े हुए यहाँ पे 1 साल से, कहीं घूमने नहीं निकले कि पैसे नहीं है, सुन रहे हैं पैसे नहीं है, अब बड़ी जल्दी पैसे आ गए। सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, बच्चों का और बीवी का कोई ख्याल नहीं है। मना कर दो, कहीं कोई नहीं जा रहा, घूमने जाएंगे ये आए बड़े। तुम लोगों को यार मतलब चेरी पिंक, बेबी पिंक, फलाना पिंक, इनका अंतर तो तुम अच्छे से समझ जाती हो, बस तुम लोगों को हम लोगों की भावना ही नहीं समझी जाती। पता है किसी का दिल दुखा के ना अगर कोई खुशी की तलाश में है तो वो सबसे बड़ी गलतफहमी में है। अच्छा जी, मतलब तुम जाओगे अपने उन बेवड़े दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पे? हाँ वैसे तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हम लोगों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए तो तुम कहते हो पैसे नहीं है मेरे पास, तुमने ट्रिप किससे पूछ के प्लान किया है? हाँ तुम्हें भेजूंगी मैं गोवा, सबसे बड़ी गलतफहमी में तो तुम थे। प्लान करके बैठ गए जाएंगे गोवा,